अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों मुल्क भर के अंदर मानसून का सिलसिला जारी और सारी है और लाहौर में और पंजाब के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें हो गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमान, हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमत वाली बरकत वाली बारिश नाजिल फरमाए और जो लोग इस बारिश के नतीजे में शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए और उन शहीदों के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। दोस्तों अब जो है ना पंजाब में जो मूसलाधार स्पेल चल रहा है, अब मीडिया वालों के जो कैमरे हैं ना वो कराची के आसमान की तरफ हो गए हैं और मैं दोबारा से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि एंकर हजरात, मेल एंड फीमेल दोनों शामिल हैं, चीख चीख के ख़बरें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, मैं आपको कराची का वेदर लाइव दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं आप, कहीं से आसमान खुला हुआ है और कहीं पर बादल हैं। मामला ये दोस्तों, कल कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश हुई है जो कि 2 से 3 मिनट की हुई है। उस पर उन्होंने पूरा आसमान सर पर उठा लिया, तोबा नाउज़ु बिल्ला, जैसे कराची तहस नहस हो गया, कराची तबाह बर्बाद हो गया। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कराची असल में ना 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है और दुनिया के 40 मुल्कों से बड़ा है कराची। दोस्तों ये मैं आपको एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कराची दुनिया के 40 मुल्कों से बड़ा है। जी हाँ, अब आप ये देखें ना, बहुत सारे मुल्क आप सर्च करें उनकी पापुलेशन कितनी है, 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 20 लाख, तो भाई कराची जो है ना 2 करोड़ अफराद को लेकर चल रहा है और इनकी परवरिश कर रहा है, बल्कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये 40 मुल्कों से बड़ा है। अगर कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो गई तो कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला फजलो करम फरमाने वाला है। आप इनकी बिल्कुल बातों में नहीं आइएगा, ये इनका काम ही है, ये पैसे इसी चीज़ के लेते हैं कि चीख चीख के ख़बरें पढ़ें, चीख चीख कर सनसनी फैलाएं और लोग जो है ना इनकी बातों में आए और देखें और बोलें कि भाई वाह भाई वाह, चीख चीख के पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लिया, ये लो अपनी सैलरी। बहरहाल ये आप लाइव वेदर देख सकते हैं, मैंने तूफ़ान की वीडियो भी आपको दिखाई थी। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब अमनो अमान है, शांति है, पुरसकून है, कुशन मंगल है, सब ठीक ठाक है भाई। ये देख लें, हमारे ओवरसीज़ वाले जो कराची में रहते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनके जो रिलेटिव कराची में रहते हैं कि यार अब कराची का क्या होगा, कराची का भाई कुछ भी नहीं होगा। ये जो हुकूमत ने बड़े बड़े नाले बनाए और अभी 1-1.5 साल में जो काम हुए हैं ना कराची में, वो इसी बारिशों को मद्देनज़र रखते हुए हुए कि बारिश से कराची को बचाया जाए, कराची की सड़कों को बचाया जाए। ये देख लें आप, मैं कैमरा घुमा घुमा के आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको काफ़ी दूर तक का व्यू दिख जाएगा। और आज सुबह से कराची में कोई बारिश नहीं हुई है, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है और ये जो है ना सिर्फ अपनी ये कह लें कि आप पेशन गोइयाँ ही कर सकते हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा और इंशाल्लाह ताला सब खैर होगी, सब खैर खैरियत रहेगा। आप इनकी ज़्यादा बातों में नहीं आए और ज़्यादा तवज्जो नहीं दें इनकी बातों पर, मीडिया वालों की बातों पर। ठीक है, ये लाइव वीडियो आपने देख ली, अब आप अपने रिलेटिव को, ओवरसीज़ वालों को, जिसको भी चाहें शेयर कर दें और बता दें कि भाई कराची में सब ठीक ठाक है, अमन व अमान है और इंशाल्लाह अगर बारिश हो गई कराची में तो मैं आपको बारिश की वीडियो भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह खैर करने वाला है। अल्लाह पाक से हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, खैर की उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी दुआएं मांगनी चाहिए। ये देखें आसमान में चीले वगैरह भी उड़ रही हैं, सब ठीक ठाक है भाई, अल्लाह का शुक्र है कराची में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।